बहुत सुबह ही सभी का नींद खुल गया। हाँ, बेस कैंप जाने का जल्दी तो था, जोश भी था, लेकिन असली कारण था कल रात की जबरदस्त सर्दी। गोविंद ने कहा कल रात उम्मीद से ज्यादा ठंड गिरा था, -6 या -7 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। बर्फ जो कल डस्ट जैसा था, आज वो पत्थर जैसा हार्ड बन गया है। हाथ, पैर, मुंह, शरीर का कोई भी भाग अगर बाहर निकालो तो जम जा रहा है। सभी ने इसी के कारण अंदर ही रहने की सोच लिया। कुछ ही देर में धूप निकला तो जान पे जान आई। सूरज की पहली किरण बर्फ पे टकराते ही हीरे की जैसी चमक रही थी, चारों ओर खिल उठा था। तभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकलने की तैयारी शुरू की। आज हम लोग जुदा का तालाब होके केदारकांथा बेस कैंप जाएंगे। ये करीब 4 किलोमीटर का ट्रेल है, 9,500 फीट से 11,500 फीट तक चढ़ना है। थोड़ी ही देर में जुदा का तालाब पहुंच गए। पूरा तालाब जम के बर्फ बन चुका है। पास ही कुछ तस्वीर लिए और आगे बढ़ते गए। अब सामने ऊंचे ऊंचे पाइन के जंगल के बीच में से हम लोग चढ़ते गए। तभी एक कैंटीन मिला, लिखा था कि पहले से ऑर्डर करके रखो तो यहाँ खाना मिलता है। अब सीधा बेस कैंप जाके रुकेंगे। बर्फ की मोटी चद्दर को दबाते हुए हम लोग चढ़ते गए। थोड़ी ही देर में गोविंद ने रोक के केदारकांथा समिट दिखलाया और बोला यही कल जाना है, इसके लिए आज जल्दी सोके रात के 2 बजे उठना होगा। बेस कैंप पहुंचते ही चारों ओर पहाड़ के अद्भुत खूबसूरती को देख के चौकित रह गया। दूर दूर तक बर्फ का टोपी पहने हुए पहाड़ के कितने सारे रेंज दिखाई पड़ रहा था, आंखों का पलक झपकना जैसे भूल सा गया। हाँ, ये कोई तस्वीर नहीं, सच्चाई है, मेरा देश भारत है ये। कैंप में घुसने से पहले देखा एक लोकल गाइड स्की कर रहा है और आसपास कितने सारे कैंप लगाया गया है, बहुत सारे टीम आया है। आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, रिपब्लिक डे हम लोगों के लिए यादगार बन गया। दोपहर को 1 बजे कैंप में घुसने के बाद लंच करके आसपास घूमने लगे। तभी देखा धूप छाव का आना जाना जैसे खेल बन गया। देखते देखते शाम हो गया और सर्दी भी बहुत जल्द बढ़ गया। मेरे दोस्त प्रधान का सर दर्द से फटा जा रहा था, शायद AMS। कल अगर ठीक नहीं हुआ तो हम लोगों के साथ समिट तक नहीं जा पाएगा। अब सभी समिट के लिए रात के 2 बजे उठने का तैयारी कर रहा था।